हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ क्लास 11th का। इससे पहले मैं आपको बहुत से सब्जेक्ट का बता चुका हूँ, जैसे बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गई और भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस और फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करूँगा। देखिए, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में आए तो उन्हें काफ़ी चीज़ नहीं पता, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं आप मिड टर्म का आपको पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर फाइनल टर्म का बताऊंगा। और मिड टर्म के एग्जाम आपके अक्टूबर में है, ठीक है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप समझ लो केमिस्ट्री का सिलेबस। तो यूनिट वन है, ठीक है, यूनिट वन है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका जो है यूनिट का नाम है। और इसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं ना, तो आप जब चैप्टर्स करेंगे तो देखना ये सारे टॉपिक कवर हों, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा ना, इन टॉपिक्स के ऊपर आएगा और डीपली आएगा। मिड टर्म में इतना डीपली नहीं आता, लेकिन फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा डीपली दे सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से करें पहले से। और फाइनल टर्म में मिड टर्म का बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले से मिड टर्म किया होगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिट सेकंड आपकी आ रही है, यूनिट थर्ड आपकी आ रही है। आप टॉपिक, अब देखो मैं एक टॉपिक का नाम नहीं पढ़ सकता, ठीक है, आपको खुद ही ये सारे टॉपिक पढ़ने और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। यूनिट फोर है आपकी और यूनिट सेवन और एट है, देखो फोर का एट है। और आप रेडॉक्स रिएक्शन इसको अच्छे से देख लेना और ये सारा टॉपिक अच्छे से करना, ठीक है। और इसमें क्वालिटेटिव बोल रहा था, सिर्फ क्वालिटेटिव करना है। और देखो 15 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में आपके एग्जाम है, 15 दिन ही आपके पास रिवीजन के रह जाएंगे खाली। फिर मिड टर्म का जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको बाकी बची हुई यूनिट करनी है, और जो यूनिट यहाँ लिखे केवल वही करनी है, ठीक है। आपको फाइनल टर्म के लिए मिड टर्म की भी करनी पड़ेगी और बची भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल टर्म में मिड टर्म का और बचे हुए जो चैप्टर हैं सारे सब कुछ आएगा। ये यूनिट है, इनके अंदर टॉपिक्स हैं, अच्छे से आप इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। और जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वही प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका 15 जनवरी तक भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो और क्योंकि पेपर 15 फरवरी से स्टार्ट है आपके, और फिर आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी करने होंगे। प्रैक्टिकल आपके ना लास्ट में होते हैं, जब आप फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तब, मिड टर्म के बाद, ठीक है। आप प्रोजेक्ट वगैरह आपसे अभी बनवा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ये फाइनल का दोबारा से दिखा दूँ सारे, ठीक है। ये और यहाँ पर लिखा है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में सारा कुछ आएगा। और ये वेटेज दे रखी है, ये जो वेटेज है ना, ये फाइनल टर्म के हिसाब से दे रखा है। और मिड टर्म में भी आपको पेपर 70 नंबर का ही आएगा, लेकिन जो मिड टर्म में चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं को 70 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मिड टर्म में कन्फर्म नहीं होता कि कौन सा चैप्टर या यूनिट कितने नंबर की आ रही है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो आप अच्छे से करना, ठीक है, ये आप पूरा अच्छे से सारा प्रिपेयर कर लेना। ये देख लो, जब फाइनल टर्म के हिसाब से कौन सी यूनिट कितने नंबर की रहेगी, उसी नंबर की बनाई जाएगी। सीबीएसई की गाइडलाइंस से होता है, तो पूरी इंडिया में लागू होता है, तो दिल्ली के जितने बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो ये यूजफुल है। और यहाँ पर ये बता रखा है कि एमसीक्यू कितने रहने वाले, वेरी शॉर्ट कितने रहने वाले, शॉर्ट कितने रहने वाले, केस बेस्ड कितने रहेंगे और लॉन्ग आंसर कितने रहेंगे। और जो मिड टर्म का आपको एग्जाम आएगा ना, मिड टर्म के एग्जाम में भी पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। बस मिड टर्म है तो मिड टर्म के चैप्टर ही आपके आएंगे, और फाइनल टर्म में तो मिड टर्म और बाकी बच्चे सब आएंगे, ठीक है। और डोमेन में बता रखा है कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग के बेस पर 28 मार्क्स से मतलब इजी रहने वाला है, अप्लाई करने वाला और एनालाइज करने वाला ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। ईजी एवरेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर, थोड़ा सा घुमा के देंगे। आपने 10th क्लास का एक्सपीरियंस भी ले रखा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सिलेबस दे रखा है, अब प्रैक्टिकल जैसे रोल नंबर वाइज जिसको जो मिलेगा उसी को वही करना पड़ेगा, लेकिन आप सारे प्रैक्टिकल करना, क्योंकि आपने लिया क्यों है ये जो स्ट्रीम है क्यों लिए, कुछ उसमें मार्क्स हासिल करने के लिए तो लिए। पीसीएम आप ले रहे हो, आप जेई की तैयारी करोगे या किसी और फील्ड में इसी के रिलेटेड जाओगे, तो आप अच्छे से करोगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल बता रखे है ना, ये आपको मिड टर्म में कम्प्लीट करने हैं, मिड टर्म में ये प्रैक्टिकल आप, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल का भी होता है, मिड टर्म में आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ बता रखा है, ठीक है। और ये जो है बाकी बच्चे जो है ये प्रैक्टिकल ये आपको फाइनल टर्म के लिए करने हैं।
है, और फिर फाइनल टर्म में जो भी आपका होगा वो आपको बताएंगे टीचर। और आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल जो भी रोल नंबर बेस या जो भी होगा ना आपके टीचर सबको बताएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग करना। लेकिन प्रैक्टिकल आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि किसका कैसे लिया जाएगा वो आपके टीचर डिसाइड करेंगे, ठीक है। 30 नंबर का जो भी है ये सारा बता रखा है कि प्रोजेक्ट वर्क कितने का रहेगा आपका, और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस, ये जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह ना वो, और क्लास के अंदर जो भी रिकॉर्ड आपका वाइवा वगैरह जो ले जाएगा वो 4 मार्क्स का। तो ये आपका, तो ये सब टीचर के आपके जो इंटरनल एग्जाम है ना उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो है ना ये पूरी दिल्ली के पेपर सेम बनते हैं, ये जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के जो क्वेश्चन पेपर है। लेकिन जो प्रैक्टिकल और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके टीचर जो है ना, या असेसमेंट जो आपके वगैरह लेंगे उसके बेस पर आपके नंबर देते हैं 30 में से। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार ब्रीफली मैं बता दूं फटाफट जल्दी से, ठीक है। मिड टर्म में आपको ये यूनिट करनी है, ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4 और 8, ठीक है। और उस और आपको प्रैक्टिकल कौन से करने हैं मिड टर्म में, यहाँ पर बता रखे हैं प्रैक्टिकल आपके हैं। देखो एक ये है, ये आपको मिड टर्म में कर लेने हैं 20 ही, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो बचे हुए हैं आपको फाइनल टर्म में 6 करना है, 7 करना है, 12th करना है, 13 करना है, और जो बचे हुए प्रैक्टिकल हैं वो आपको करने हैं। ये आपके बचे हुए प्रैक्टिकल हैं, ये सी सी डी और ए, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, आपसे टीचर पहले भी बनवा सकते हैं और बाद में भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।